जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आईटी में एक बार बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि ये भर्ती कंप्यूटर टीचर की निकली हुई है। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सभी जो कंप्यूटर लैब हैं, ठीक है, आईसीटी लैब हैं, उनमें कहीं ना कहीं भर्ती की जा रही है। तो उसके संबंध में हम कभी आपके लिए डेली की इस संबंध वीडियो लाते आ रहे हैं, ताकि आप लोग जो जिले से निवास करते हैं या उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, एक नई भर्ती यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ या नए आएँ, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए हम देख लेते हैं। हमने कर लिए डाउनलोड। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई होगी, काले प्राचार्य शासकीय सीएम राय साहब का उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, विद्यालय आपका रामनगर जिला सतना, तो सतना की ये वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन 30 सितंबर को यहाँ पर जारी की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ, अब यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो देखिए यहाँ पर 17/5 के तहत जो कि सबसे पहला लेटर आया था आईसीटी लैब के द्वारा, ठीक है ना, उसके आईसीटी लैब के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भर्ती की जा रही है आपकी सीएम राय स्कूल है, चूँकि उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय आपका रामनगर, तो यहाँ पर इसमें आपका जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती होनी विद्यालय में, ठीक है ना। इसके जो आवेदन है आप लोगों को विद्यालय में जमा करना है। कब जमा करना है? तो 5 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं विद्यालय में, ठीक है ना। और आपका जो इसमें स्कोर कार्ड रहेगा मेन आपको जमा करना, जो SSS 2 का रहेगा आईटी स्कोर कार्ड, वो आपके पास होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए आपके पास, कौन कौन सी योग्यता, जैसे आपने बी किया, कैसे किया हो, ई सी से किया हो, आई टी से किया हो, या ई टी से किया हो, ठीक है, इससे, या कंप्यूटर साइंस से किया हो, या बी सी किया हो, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी होगा कंप्यूटर, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले आप लोगों को जो अतिथि शिक्षक का पोर्टल होता है उस पर आपका पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस आपका जो स्कूल कार्ड जनरेट होगा वो आपका होगा। इसके बाद आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं स्कूल में जाकर, ठीक है। तो उन्होंने साहब बता दिया कि देखिए जो सी एम राय स्कूल आपका, इसका नाम है, आप लोगों को स्कूल में जाके जमा कर देना है। मतलब यहाँ पर पद है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पद रहने वाला है, और SS 2 के भर के रहेगा। युक्त आपकी ये मैंने बता दिए रहने वाली है, और रिक्त पद आपका एक दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को 5 अक्टूबर तक ये जमा कर देना है इस, ठीक है ना। तो जो भी चाहें अभी तक वो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक्स।